कांग्रेस का ये नेता कर रहा था ड्रग्स की सप्लाई, मामला पूरा खुला तो राहुल गांधी की भी आंखें निकल आई। राहुल की मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। जिस मोहब्बत की दुकान की राहुल गांधी बात करते हैं, उसके ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड निकलते हैं। और अब की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। और इसी कांड की वजह से जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। चलिए आपको पूरा मामला बताता हूँ। दरअसल दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 5,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। और सिंडिकेट के साथ पकड़ा गया तुषार गोयल, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के RTI सेल का चीफ है। ये वही तुषार गोयल है जिनको स्वयं राहुल गांधी ने नियुक्त किया था, मतलब इनकी नियुक्ति जो है राहुल गांधी ने स्वयं करी थी। तुषार गोयल की जो फोटो है वो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ भी देखी जाती रही है। और खास तौर पर इस मामले पर जो है हरियाणा इलेक्शन से मामले को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और वेणुगोपाल के साथ इसकी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। और न सिर्फ तस्वीरें बल्कि आरोपी के फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि पैसा किस मकसद के लिए था, कहीं इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा था। जब तुषार नाम के इस आरोपी की जांच की गई तो सोशल मीडिया पर चेक करने के बाद ये पाया गया कि सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को ये जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया, और उसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि RTI सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस। अब आरोपी ने जो है अपनी ID जो है वो डिग्गी गोयल नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल को बनाया हुआ है। ये खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल के पूछताछ में जो है इस बात का खुलासा किया है कि वो कांग्रेस दिल्ली की RTI सेल का प्रमुख था। अब कांग्रेस का इतना बड़ा मैटर था भाई साहब, अब भला इसमें BJP कैसे पीछे रहती, और हरियाणा चुनाव जब सिर पर हो तब तो कैसे ही शांत रहती BJP। अब इसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर अपना धावा बोल दिया और एक पर एक सवाल कांग्रेस के लिए दाग दिए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब ये बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान बेचे जा रही थी, लेकिन अब नशे का सामान भी बेचने जाने लगा है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में। तुषार गोयल जो पकड़ा गया है वो कांग्रेस का नेता है। तुषार गोयल की फोटो जो है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ दिखती रही है। और उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस में ड्रग्स पेडलर्स का पैसा है, दिल्ली में जो पैसा बरामद हुआ क्या इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को थी। उन्होंने कहा कि जवाब में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से भी इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए और हुड्डा परिवार से भी बातचीत करनी चाहिए, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। देखिए, राहुल गांधी वैसे भी लगातार किसी न किसी मामले में घेरे में रहते हैं, कभी अपनी वजह से कभी पार्टी के नेताओं की वजह से। लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता की यह खबर कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए घमासान ना पैदा कर दे, मुसीबतें ना पैदा कर दे, क्योंकि भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बचे हुए दिनों में वो यही प्रयास करेगी कैसे इस खबर को जनता के बीच में पहुंचा दिया जाए, उतार दिया जाए, जिससे कांग्रेस की वोट बैंक पर इफेक्ट पड़े। देखिए, देश के अंदर दो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिनके साथ सबसे बड़ी ये समस्या रही है कि उनके नेता कुछ ऐसे कांड कर देते हैं, कुछ ऐसा मामला बना देते हैं जिसकी वजह से पार्टी जो पार्टी स्तर पर उन्हें नुकसान होता है और पूरे देश में जो है वो थू-थू हो जाती है। और ये मामला उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें कांग्रेस इस बार लपेटे में आ गई है। समाजवादी पार्टी का नाम भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने समय कई ऐसे मामले आए हैं जहां सपा नेताओं के ऐसे कर्मकांडों ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल कर दिए। क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो है उसका अस्तित्व कहीं जो है जो उसका आधार है वो निराधार ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके की हरकतें उनके नेता कर रहे हैं। और अगर बात करें तुषार गोयल जो कि इस मामले में पकड़े गए हैं, जिनको कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का RTI सेल का एक सदस्य बताया जा रहा था, उस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है भाई साहब ये 2 साल पहले में इनको पद से हटा चुके हैं और बहुत जल्दी जो है प्रेस रिलीज जारी होगी। अब इसके विषय में बताया गया, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने है उसको देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया है और उनके नेता की, क्योंकि अभी तक उसके बाद से कोई ऐसी खबर नहीं आई थी कि तुषार को उस पद से हटा दिया गया, लेकिन अब दावा किया गया है जब इतने बड़े ड्रग्स के मामले में एक कांग्रेस नेता पकड़ा गया है तो उन्होंने बोला कि जल्दी ही प्रेस रिलीज करके सारी जो है आपको जानकारी दे दी जाएगी। देखिए फिलहाल जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से कांग्रेस तगड़े से घेरे में है। आपको क्या लगता है कि 5,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल तुषार गोयल के तार क्या वाकई कांग्रेस से जुड़े हैं, या फिर हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये एक राजनीतिक स्टंट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी आपके अपने पेज पर, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।